तो कोरोना क्यों आया? क्या कोरोना है? हम घर में रह रहे, किसी को कोरोना नहीं, तुम कह रहे कोरोना है तो बताओ। बच्चों का पढ़ने लिखने के लिए इतनी यूनिवर्सिटी बन गई, स्कूल सब बंद पड़े, कहां यूनिवर्सिटी बन गई? खसम का सोम है भैया के पास, हमेशा आदत है, कोई नया नहीं है। किसान परेशान है, एक गांव में कम 3 लाख का तार लगा हुआ, 4 लाख का। तो ये कह रहे हैं ना कोरोना को लेकर स्कूल बंद किए? कोई कोरोना नहीं, हम देहात में रहते हैं, आज तक किसी को कोरोना हुआ ही नहीं, कहाँ है कोरोना ये बताइए। तो ये कह रहे हैं हम राम को लाए, वो तो भजन आए, कैसे तुम पे लाए थे, ऐसे कैसे लाए थे? यानी ये तो सरकार चाहती है ना बच्चे पढ़े ना हमसे हक मांगे, अनपढ़ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राम को कौन लाया भैया? राम को कौन लाया? क्या है इस बार चुनावी माहौल? सब साइकिल है इधर, कुछ रहा सब साइकिल है, साइकिल ही क्यों? फिर भाजपा क्यों नहीं है? चाचा भाजपा क्यों नहीं? भाजपा इसलिए नहीं कि बहुत नुकसान किया, छुट्टा बैल घूम रही है और वो साइकिल वाला जमीनी नेता है। हाँ। बहुत नुकसान का इसका, डीजल महंगाई भी जा रहा है। हाँ। खाद बहुत जा रही है, युवा वर्ग को नौकरी नहीं मिली है, तो इसलिए साइकिल ही साइकिल है। अरे तो भाजपा तो हमेशा ये कहती है कि बहुत कुछ किया है इस बार हमने, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं किया, माइनस है सब, माइनस है। अच्छा हाँ, केवल साइकिल और कुछ नहीं है। कहाँ से हैं आप, कौन से गांव से हैं, क्या नाम है? नाम तो नहीं बता सकता हूँ। अच्छा नाम नहीं बताएंगे जी। हाँ। तो इस बार जो गुस्सा है वो साड़ों को लेकर है या फिर गवर्नमेंट को लेकर? महंगाई को लेकर, खाद तेल को लेकर के है, और जो कहा कि दुगनी आय हो जाए वो भी कुछ नहीं हुई थी, इसलिए साइकिल ही साइकिल है। अच्छा जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। क्या है इस बार चुनावी माहौल, किसकी तरफ वोट दिया जाएगा, क्या लग रहा है? उनसे मालूम करो, वोट नहीं है, वोट है तो किसे देंगे? जैसे कुछ तो सोचा होगा, अखिलेश को देंगे, कुछ को देंगे। अखिलेश को देंगे, कहाँ? नवाबगंज से, किसी गांव से हैं? बरखन से। बरखन से। सब्जी को लेकर क्या कहेंगे इस बार, सब्जी क्या सस्ती रही थी या फिर महंगी रही, क्या रहा था? इस टाइम तो महंगी है सब्जी भाई, महंगी है। अच्छा तो फिर सब्जी का क्या, मुझे लगता है असर क्या देखने के लिए मिलेगा, साइकिल या फिर कमल? साइकिल मिलेगी, साइकिल है, साइकिल है, साइकिल धर्राटे काट रही है, एक शब्द यूज हो रहा है, क्या कहेंगे चाचा, क्या चल रहा है? साइकिल चल रहा है, साइकिल 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 है भाई, क्या है मामला बाबा, क्या है? सब बढ़िया है। क्या है? बढ़िया है, लेकिन चुनावी माहौल बताएं क्या सब, यहाँ सब साइकिल साइकिल है। नहीं, यहाँ साइकिल है या आपके मन में साइकिल है? साइकिल है आपके मन में भी, साइकिल है, क्या कहेंगे? साइकिल, क्या कहेंगे? सांड आते हैं पूरे ढेर में मुंह मार देते हैं, इसलिए भाई हम तंग आ गए सांडों से, साइकिल ही है हमारे मन में। अच्छा, किसानों की खेती बर्बाद हो रही है और आपके आलू? किसान और हम, बात एक ही है, जब किसान बर्बाद होगा तो हम पहले बर्बाद हो जाएंगे, किसानों का दर्द है। सांड से परेशान ज्यादा लोग हैं, क्या आप भी सांड से परेशान है? हम नहीं है परेशान। क्यों? सब्जी तो आपकी भी है, आप परेशान क्यों नहीं है, क्या बात है? बाजार पूरी परेशान है, आप क्यों नहीं? हम नहीं परेशान। तो फिर वोट, वोट फूल पे। अच्छा क्या कहेंगे? सब बर्फीन खा गए बाजार भैया, भैंसिया हमारी का खाई? हाँ हाँ, भैंसिया पालना जिसका दूध खा रहे हैं उसका वो उसे कहते पालक पालक। राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, राशन मिल रहा है, इधर आइए राशन। हाँ राशन मिल रहा है, हम 50 रुपए अगर सांड फसल खा रहे हैं तो राशन मिल रहा है, राशन मिलने में 2 बार मिल रहा है क्या? 5 किलो में क्या? रिफाइंड की थैली भी मिल रही है, 5 किलो एक यूनिट 5 किलो गेहूँ भी है। 5 किलो में क्या होगा? 5 किलो में क्या होगा? एक इंसान के लिए 5 किलो बहुत है। महीने के फूली खिल्ले, फूल हर जगह फूल ही है, फूल फूल। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। मुझे ये लग रहा है, मुझे ये लग रहा है इधर का जो एरिया है वो बीजेपी वालों का है, मुझे ऐसा लग रहा है। बीजेपी 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 भारतीय जनता पार्टी 40,000 40,000 वोटों से बकबसर है, 40,000 तो बकबसरन जीतेंगे भैया। मार्च में जो दोबारा मार्च में देखियो, मार्च में अभी बहुत वक्त है, लेकिन मार्च से 10 मार्च को आओ, मिठाई खिलाएंगे, आप आना यहाँ, मिठाई खा कर जाना, साइकिल की जीत की। अच्छा हाँ, 40,000 बीजेपी से मिठाई खिलाएंगे, उससे दुगनी। आप सांडों से परेशान नहीं है ना? क्यों? बहुत खुशी है, जमीने ना आज परेशान होंगे, जमीन नहीं, जमीन नहीं, जो क्या गल्ला लिया मोदी का और आप साइकिल की बात कर रहे हैं, गल्ला लिया मोदी का योगी का साइकिल की बात। मेरी बात सुनो, 5 किलो गल्ला कितने रुपए का हुआ? हम बेरोजगार बैठे हुए, हमको हमको भैया पूरा 200 रुपए की गल्ला 250 हो गया, की थाली एक घर में 4-4-5-5 और चने की दाल की भी थाली मिल रही है। पूछो कभी इन्हें वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को? कभी वोट दिया चाचा? वोट दिया कभी? हाँ वोट दिया, वोट दिया, हाँ वोट दिया, लेकिन इस बार नाराज है। इस बार नाराज इसलिए है, ये तो रोजगार नहीं है। हाँ। हम लोग खाली बैठे हुए हैं, बहुत सी जनता, चलो हम कर रहे हैं काम, बहुत जनता बैठी खाली। वोट दिया क्या, एक एक करके क्या कहेंगे? वोट दिया लेकिन इस बार नाराज है। हमें कभी भी विश्वास नहीं हुआ, जे हमने कह दिया चाचा पे विश्वास नहीं हुआ, या फिर मुसलमानों पे विश्वास नहीं हुआ, या फिर टोपी लगाए हुए लोग हैं उन पे नहीं हुआ। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं,
हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं। एक 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 बात एक बात बात एक बात एक बात चल रही है। हाँ, हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर, हम तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन इनको लोगों की आदत है, कुछ लोगों की वो नहीं मान रहे। जैसे कुत्ता की पूछ है, कितने भी उसमें रखो वो लगेगी टेढ़ी की टेढ़ी की टेढ़ी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कुत्ते की पूछ को हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वो तो टेढ़ी रहती है, वो सीधी होएगी नहीं। क्या करो बताओ, सीधी कर दो थोड़ी सी। क्या है इस बार, मैं बता दूं आपको, देखिएगा जिस तरीके से कमल खिलने की बात चल रही है तो वहीं पर साइकिल भी दौड़ेगी। इधर के लोगों से मैं बात करूंगा और पूछ लेता हूं क्या है इनके मन में। थोड़ा सा आते रहें, बहुत ज्यादा तंग मामला है। क्या कहेंगे? कमल का फूल। इधर कमल का फूल खिल रहा है भाई। मुझे लगता है गोभी वाले भैया क्या कहेंगे, जिस तरीके से गोभी चमक रही है, क्या कहना चाहते हो विधानसभा में, किसे चमकाना है इस बार? भैया फूल है और कुछ भी नहीं है। फूल है? अच्छा, इसीलिए फूल की सेल हो रही है। सब फूल है। हा? सब फूल है। घबड़ोटी है सबको, कह कुछ और रहे हैं, होगा कुछ और। अच्छा, घबड़ोटी है सिर्फ। घबरा रहे हैं भैया जी, घबरा। क्या महंगा होना चाहिए? आप बहुत दूर है, पास में आता हूँ। डीजल पेट्रोल और महंगा हो जाए। अम्मा कहाँ से हो? सब्जी खरीदने आई हो? हाँ। अच्छा, कौन से गांव में रहती हो? हम दाबीखेड़ा। दाबीखेड़ा में। हाँ। साइकिल पे वोट दोगी इस बार या फिर भाजपा से डॉक्टर एमपी आ रहे हैं कमल खिलाओगी, क्या करोगी? वोट है साइकिल को दे दी। साइकिल। अम्मा सरकार से भी खुश हैं लेकिन मन बदल गया। साइकिल क्या कह रहे थे, पेट्रोल डीजल और महंगा हो जाए लेकिन वोट भाजपा को? भाजपा ही वोट जाएगा, सरकार भाजपा की बननी है। क्यों? क्योंकि उसने काम अच्छे किए हैं। अरे आप कह रहे हो कि महंगा कर दिया, फिर कह रहे हो कि नहीं कर दिया, और महंगा हो। अच्छा क्या किया? क्या अच्छा किया? क्या अच्छा नहीं किया? किसानों को गल्ला मिल गया है। हाँ। अनाज मिल गया है, पैसे बैंक में कैसे पैसे आ रहे हैं? अरे ये तो पहले भी गवर्नमेंट देती थी। कभी कोई नहीं देता। किसने दिया? अखिलेश ने भी तो पेंशन दी है। अखिलेश ने भी माफ किया, कर्जा माफ, और सब कुछ मैं ब्याज देने पड़ गए। लेकिन इतनी महंगाई थी अखिलेश की गवर्नमेंट। महंगाई हमेशा बढ़ेगी। आज क्यों बढ़ेगी? एक 300 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा? अब दिहाड़ी पर 300 मजदूरों के पास 250 मजदूरी थी। हाँ। तो दिहाड़ी में कहाँ मजदूर गरीब रहे? इस महंगाई में 300 रुपए में क्या होगा? खाने का तेल 200 रुपए किलो है। 200 रुपए फ्री दे रहा है, गल्ला फ्री मिल रहा है। मार्च के बाद क्या करोगे? 3 महीने में जीने मिलेगा बराबर। पैसा आ रहा है, क्या लोगे आप लोग? अच्छा, क्या दिए हम लोगों के लिए? बहुत है, तेल मिल रहा, गल्ला मिल रहा, आपको पैसा आ रहा है, क्या दिए आपके लिए? सीधा बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद भाई। सब कुछ मिल रहा है तो सब्जी भी फ्री होना चाहिए। फिर सब्जी फ्री है, सब्जी फ्री मिल रही है, सब्जी भी फ्री होना चाहिए भाई, सब्जी फ्री होना चाहिए। बात सही। चाचा कौन से गांव से हो? वोट किसे दोगे इस बार, ये पूछ रहा हूँ। डर क्यों रहे हो? वोट किसे? मोदी। कौन से गांव से हो? बाहर से। बाहर से हो? बाहर मंडलपुर। और क्या है इस बार रुझान? हम परिवर्तन चाहते हैं अबकी बार, मतलब भाजपा का तो देख ही लिया महंगाई को। क्या देखा था जैसे? क्या हमें तो हर चीज महंगाई ने कमर तोड़ दी, हर चीज की। आपको तो अगर कोई चीज महंगी मिली तो आपने भी तो महंगा बेचा होगा फिर, कुछ ना कुछ। महंगा क्या बेचा जी? आलू 9 रुपए किलो मिल रहा है, 10 रुपए किलो मांग रहा है, 12 रुपए किलो बता रहे हैं, बहुत महंगा है। अच्छा, इसलिए तो जो है 100-200 रुपए पैदा किया, इसमें कैसे पूर्ति हो जाएगी? महंगाई बहुत हुई है ना इस गवर्नमेंट में, यही बात है या कोई और बात है? यही बात है, इसलिए थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं आपकी बार, देखते हैं दूसरी सरकार क्या करती है। सरकार में तो अखिलेश है। हाँ, फिर अखिलेश है यहाँ पे, और क्या, और कौन है यहाँ? अच्छा, क्या माहौल है इस बार, क्या कहना चाहिए? साइकिल का माहौल है जी, साइकिल का ज्यादा है। अच्छा, नवाबगंज विधानसभा से ही साइकिल का ज्यादा है या फिर बाजार के लोग जितने भी हैं इन लोगों ने मन बना रखा है कि भगवत को वोट देना है? सब में साइकिल का है। अच्छा, तो इस बार साइकिल दौड़ेगी? साइकिल दौड़ेगी। भाजपा क्यों नहीं? क्या बात है, भाजपा में ऐसी क्या कमियां रही है, क्या दिक्कत रही है? हमारे 2 बच्चे हैं और स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो 2 साल से स्कूल बंद है। बताओ क्या उनकी पढ़ाई पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, आप ये बताइए पहले। आप तो सबसे पहले वो ये कह रहे हैं ना कोरोना को लेकर स्कूल बंद किए। कोई कोरोना नहीं, हम देहात में रहते हैं, आज तक किसी को कोरोना हुआ ही नहीं, कहाँ है कोरोना ये बताइए हमें। हम तो बाहर घूम फिर रहे हैं, देहात में रह रहे हैं हम, कोरोना बताइए है कहाँ? अफवाह है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। पहले सबसे ये बताइए, स्कूल बंद है, आप 2 किलो अनाज दे रहे हैं। पहले हम देहात में रहते हैं, वहाँ जाकर आप ये देखिए कि इतने भी जा रहे हैं कि रात रात, पहले ये बताओ घर पर रहें या जंगल में रहें, क्या करें आप ये बताइए। आप सबसे पहले यही परेशानी। अब महंगाई 2 किलो दे रहे हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे इन्होंने पैसा बढ़ाया नहीं, आप ये बताइए। तो सुविधाएं भी तो इतनी दी है, कह रहे हैं गड्ढे भर दिए, कोई सुविधा नहीं, लाइट इतनी अच्छी कर दी, नहीं भरा है, क्या गड्ढा भरा है, नहीं बताओ। कह रहे रोड बहुत अच्छी, बिल्कुल। हमारे यहाँ चल के देखिए, कौन से गाँव में रहते हैं? बरौर पंडरी। अच्छा, बरौर पंडरी गाँव में रहते हैं हम, और ये कंडीशन है, बाहर निकलना महंगा है,
इतनी कीचड़ है आज, आप ये बताइए पहले, सबसे पहले हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ रहे हैं, क्या हुआ ये बताओ आप पहले। और दो किलो दे रहे हैं, दो किलो दे नहीं रहे हैं, ये मार्च के बाद हमसे 10 किलो लेंगे, ये बात कर रहे हैं आप, ये कुछ नहीं बेकार है ये। कैसे लेंगे मार्च के बाद अगर गवर्नमेंट जीत जाती है तो? आज 2 किलो आदमी ये था, 2 किलो गल्ला मिल गया, क्या मिल गया 2 किलो गल्ला? आप ये बताओ, हम गरीब आदमी हैं, पहले ये बताओ ये मोबाइल का रिचार्ज कहाँ रुकाने ले जाके। दूसरी बात, अगर हम 200 रुपए पैदा कर रहे हैं, 200 रुपए हम परिवार अपना पाल लेंगे? हम साइकिल से आएंगे, देखो ये थैला है, हम साइकिल से आए और यहाँ साइकिल ही चलेगी, क्योंकि इन्होंने इतनी बेहिसाब महंगाई बढ़ाई है, जिसका हर यानी इतने व्यक्ति खड़े हैं, हर आदमी परेशान है इनकी महंगाई। ये बताओ सहमत है? ना ना, इस चीज से सहमत कोई भी नहीं, किसी कोई सहमत नहीं। अरे घर से बाहर निकल के देखो, इतने विकास कार्य हो रहे हैं, समझे? सब्जी उठाओ, आपको फ्री में मिलता रहे यही बहुत अच्छा है। क्या फ्री है इससे? होना क्या है फ्री? कुछ नहीं होना। क्या जीवन भर लेट के खाने के इरादे है? ए सब्जी सही से कर लो, सब्जी उठा लो, सब्जी उठा लो। क्या चाचा, सब्जी पहले इकट्ठी करो, थैली दूसरी दे दो, सब्जी प्याज गिर गया। जिस तरीके से इनकी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है, ये ठीक है जो बात ये कह रहे हैं? सुनिए, देश बहुत बड़ा है अपना, क्षेत्रफल के हिसाब से, और कोई भी सरकार अगर ये चाहे कि मैं 5 साल में ही सबका साथ और सबका विकास कर दूं, ये असंभव है। मौका देना चाहिए, आगे देना चाहिए। अगर हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बड़ी अच्छी जगह स्टेशन देख लीजिए और फैसिलिटी देख लीजिए, ठीक है? कौन कहता है कि गरीब हूँ? स्टेशन तो अच्छा है, कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? स्टेशन बहुत बढ़िया, एक स्टेशन से ही काम है, हम रात दिन उसी ट्रेन पर चला जाए, स्टेशन से काम है। हवाई अड्डे बन गए, कभी सफर किया हवाई अड्डे? एक बार बताओ, बच्चों का पढ़ने लिखने के लिए इतनी यूनिवर्सिटी बन गई, स्कूल सब बंद पड़े, कहाँ यूनिवर्सिटी बन गई? अरे क्यों आया, क्या कोरोना है? हम रहे किसी को कोरोना नहीं, तुम कह रहे कोरोना कोरोना एक करके जब पिछले साल गर्मियों में जब कोरोना से लोग मर रहे थे, पूरा विश्व परेशान था इस बीमारी से, तब तो आपने खूब आवाज उठाई कि साहब कोई इलाज नहीं, क्या नहीं है, क्या नहीं है उठाई। एक बात सुनिए आप पहले, मेरी सुनिए, अरे मेरी आप सुनिए, एक मिनट आराम। सर्दी जुकाम पहले नहीं होते थे या पहले लोग नहीं मरते थे? साल में हुआ था जिसमें मारे गए थे लोग, पिछले साल में कोरोना नहीं था, उसके बाद में जब कोरोना लॉकडाउन ही नहीं लगाया, पहली बार में लॉकडाउन लगाया था उस टाइम कोरोना नहीं था, दूसरी बार में जब लोग मारे गए, हिंदू भाई मारे गए सब में ज्यादा, तब लॉकडाउन नहीं लगाया गया, उससे पहले बार में लॉकडाउन लगाया गया। ये तो वाली बात, यहाँ से लेके बरेली तक तुम जाओ, पूरी साल का उठा लो, 99% एक्सीडेंट होते हैं बरेली हाईवे से यहाँ से पीलीभीत तक, समझो कौन रोकेगा कहाँ पर? पीलीभीत तक यहाँ से लेके पीलीभीत से लेके बरेली तक गड्ढे देख लो, एक्सीडेंट देख लो, पूरी साल का रिजल्ट देख लो, और सब में ज्यादा हिंदू भाई मारा जाता है इस रोड पे। मतलब नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक्सीडेंट एक्सीडेंट तो सरकार का काम है कि रोड सही कराना, समझ रहे हो? अब मैं तो वोट बीजेपी को दूंगा, पता है क्यों दूंगा? क्योंकि मेरे एक वोट से बीजेपी जीतती है तो हिंदू भाई जितना परेशान हो ना हो जाने दो, समझ रहे? इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे जैसे मुसलमान हो तो सब बीजेपी को दे और जिताए, वो परेशान रहे। भैया शाम को आप थोड़ा सा भीड़ नहीं लगाएंगे, ठीक है? आप शाम को आइए, गरीब। अरे सब बीजेपी को शांत रहो, अरे शांत तो रहे भाई, शांत रह ले थोड़ा सा। यहाँ पर अंडे का भाई साहब ठेला लगाते हैं, ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो सब्जी मंडी का जो अंडे खाए के घर ना जाता हो, ठीक है? तो गरीब हो पहले अपने बाली बच्चों को देखो, कोई पता है कि ये गरीबी आदमी अंडे खा रहा है? ये पता है, ठीक है? ये सब गरीब बनना है, ये सब गरीब बनना है। एक मिनट, हाँ ये ठेले पे सब्जी लेने कौन आ रहा है? गरीब आ रहा है, अमीर आ रहा है, ये नहीं गैस कर सकते ना, पता नहीं कर सकते। दोनों प्रकार के आ रहे हैं ना, दोनों प्रकार आ रहे हैं और अमीर भी आ रहा है। ये तो क्या लगता है, अमीर लोग अंडे खाते हैं? अरे सभी खा रहे हैं भैया, इसमें कुछ नहीं, सब खा रहे हैं। कहने का मतलब ये है खर्चे कम, नहीं कहने का मतलब ये है खर्चे कम करे इंसान लेकिन महंगाई कम ना हो, ये बात है। पहले हम लोग ये देखते थे कि इंसान गठा हुआ भी जूता पहन लेता था, आज किसी भाई साहब के पास गठा हुआ जूता मुझे पहना हो दिखा दो, क्योंकि सोच बदली है। पहले की देखिए बहुत ज्यादा गरीबी थी उस वक्त, बहुत दिक्कतें थी और जूते भी देख लो भाई साहब, तो क्या कीचड़ में काम नहीं कर रहे हैं? कौन सा बुटलैंड पहन के काम करेंगे? बीजेपी सरकार दोबारा सत्ता में आती है तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि जो विकास कार्य जो है जो 5 साल में उन्होंने कराए और जिनकी आधारशिला रखी है आगे के लिए, ये
रुक सकते हैं, ठीक है, और मामला खराब हो सकता है। वादे करती है बीजेपी गवर्नमेंट, लोग कहते हैं, लेकिन वादे पे खरी नहीं उतरती है। क्या कहेंगे? वादा खरा नहीं उतरता बताइए आप। 15 लाख रुपए देने की बात थी, मिले थे। अच्छा पुरानी हो गई। भाई साहब एक बात बताइए, पुरानी हो गई ये? पुरानी नहीं, इनसे ये पूछी, ये कह रहे हैं वादे पे खरे उतरती। आप ये बताइए योगी जी का आप या काम बताइए, आप बताइए योगी जी का क्या कराए? मंदिर बनवा दिया। मंदिर क्या होना है? मंदिर से मंदिर बनवा दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये पूजा करने आज पहुंचेंगे? पूजा करने गए? हाँ गए, वो गए हैं अयोध्या। आप चलो हो आए, आप हमने नवाबगंज से बताओ अगर 100 आदमी पहुंच गए हैं वहाँ पे, बताइए तो आप मुझे बताइए। आप पूछ रहे हैं अगर पिताजी को 5-6 बच्चे हैं, रोटी ना दे तो वो बाप ही नहीं रहेगा। तो मंदिर एक सुप्रीम कोर्ट का मैटर है, मंदिर से क्या रोटी मिल जाएगी आप ये बताइए। मैं तो मंदिर, आप ये बताइए यार, रोटी हमें मंदिर से मिलेगी या मंदिर मांगे जब मिलेगी रोटी, ये बताइए आप। हाँ राम को कौन लाया? इधर से आवाज आई, राम को कौन लाया? ए इधर आओ थोड़ा पास, राम को कौन लाया? पूछो साहब, इन्हें से पूछो, राम को कौन लाया? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राम को कौन लाया भैया? राम को कौन लाया? जवाब से पूछो ना, आप कह रहे हैं राम को लाए कहाँ से बताओ? तो राम को कौन लाया सवाल है, राम को ये बताए, राम को कहाँ से लाए? हमें लाए हैं, राम ने ही जज लाए हैं। तो ये कह रहे हैं हम राम को लाए, वो तो भजन है। कैसे? तुम पे लाए थे, ऐसे कैसे लाए थे? तुम पे बजाए। अरे कैसे ला देंगे यार कॉमेडी, तुम अरे ऐसे कैसे ला देंगे भैया, गाना तुम पे। अरे कैसे बन जाएगा भैया, ये तो यार कोई बात नहीं, तुम्हारी राजनीति ऐसे नहीं होती जैसे करी जा रही है। कैसे करी जा रही है चाचा? अरे पूरा साल छोड़ दिया, खेती किसान परेशान है, एक गाँव में कम 3 लाख का तार लगा हुआ, 4 लाख का कहाँ से जाए हम? खेती कुछ नहीं पता, वो कहाँ खाएंगे हम? 4 लाख का तार लगा कटी ना, थोड़ा जगह आइएगा। 4 लाख रुपए का तार लगा हुआ एक मेरे गांव के अंदर। भाई क्या कहोगे? 1 लाख का मेरा नुकसान कर चुकी है एक साल में। 4 बीघा गन्ना खा गई 50,000 का, और 20 बीघा गेहूँ खा के गई है, अभी मैं दिखा सकता हूँ। और 20,000 के तार लगा दिए मैंने खुद, काम करा अधगड़ा नजराने में। 30 रुपए साल वो चार आम सरकार दे रही, 30 रुपए साल भर जाएगा पेट। कितने? 30 रुपए पर, 30 रुपए पर पशु को। छोड़ दो, निकल बीजेपी को पार्टी के वो चला रहे हैं। अच्छा इस साल तो इस बार क्या है, क्या है फिर, क्या रहेगा चुनावी मुद्दा, क्या किस किस को वोट देना है फिर, क्या उम्मीद? सापा की लहर है, सापा जीत रही है। एक भी रास्ता बता दो कहाँ से किसान को फायदा हुआ है, यहाँ किसान की आमदनी दुगनी हुई है, दुगनी ये बात कर रहे हैं आप, कहीं से बता दो किस तरफ से हुई है? हर तरफ किसान घाटे में है, आज तक किसान मंडियों में नहीं बैठा अनाज के पास, एक एक महीना लोग मंडियों में रहते हैं, उसके बाद हमें खेत भी दिखाने पड़ते हैं। ये गौ माता हैं, सांड हैं, काफ़ी घूमते हैं ये, किसको किसको किसान दिखाए और कहाँ से डबल कर देंगे ये, क्योंकि हर तरफ किसान है। 2 साल से स्कूल बंद कर रखे हैं, फीस पूरी दे रहे हैं हम, यानी ये तो सरकार चाहती है ना बच्चे पढ़े हो ना हमसे हक मांगे, अनपढ़ रहेंगे तो। वो ये कहते हैं ना कोरोना से बचाया इसलिए स्कूल बंद किए। कुछ नहीं बचाया, कोरोना था कहाँ, इन्होंने बनाया कोरोना, अपने आप बनाया, कोरोना बगड़ा दिया उसको, कोरोना कहाँ था ये। फिर ये मौतें कैसे हो गई? मौतें साहब इनका सब ये सांस वाले थे, कुछ ये 5G की टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, कोई इनका आपसी का ही मैटर है, इनका हर देश का ही था, जो WHO चलता है ये सब इनका आपसी मैटर है। खुद की रणनीति रहती है, खुद की रणनीति रहती है। आज तक क्यों नहीं आया, अब क्यों नहीं मर रहे कोई? हम भी तो बाहर घूमते रहते, कुछ नहीं है। जो बंदा हॉस्पिटल में पहुंच गया वो जिंदा नहीं लौट गया, बाहर रहे जो नहीं हॉस्पिटल में सब जिंदा रहे, सिर्फ हॉस्पिटल जाते ही लोग मरे हैं सब, बाहर रह के जिन्होंने अपना परहेज किया है। दिक्कत आई थी लोगों को थोड़ी थोड़ी, सांस की सबको दिक्कत आई थी, सर्दी जुकाम थी, तो नेचुरल है सबको रहता है। अच्छा तो फिर इस बार क्या है, फिर क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है आपको फिर इस बार माहौल क्या रहेगा फिर? इस बार हमारे समझ में तो सपा ही सपा है,